नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव एंड स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द फार्मेसी ज्ञान पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो जिसमें हम देखने वाले हैं कि उसके जो थर्ड यूनिट्स है उसके टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम उसमें कुछ स्ट्रक्चर एंड उसके यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कुछ स्ट्रक्चर फॉर एग्जाम्पल जैसे इथाइल क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, ट्राईक्लोरोइथाइलिन, टेट्राक्लोरोइथाइलिन, डाइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन एंड आयोडोफॉर्म, इन सभी जो स्ट्रक्चर है उसके स्ट्रक्चर एंड उसके यूजेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमने हमारे लास्ट वीडियोस में जो रिमेनिंग कुछ टॉपिक्स है उसके बारे में भी डिस्कस किए। आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं या फिर आप वीडियो के जो आई बटन है वहाँ पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये सभी जो टॉपिक्स उसको डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। अगर आप फार्मेसी रिलेटेड बुक्स को खरीदना चाहते हैं और हमारे वेबसाइट पर विजिट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दिए हुए लिंक से आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स अब हम एक एक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर एंड उसके यूजेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंपाउंड्स है वो है इथाइल क्लोराइड। तो इथाइल क्लोराइड को क्लोरोइथेन या फिर मोनोक्लोरोइथेन भी कहा जाता है। तो इथेन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो क्लोरोइथेन बनता है। तो ये रहा इसके स्ट्रक्चर जिसमें दो कार्बन्स हैं एंड 5 हाइड्रोजन और एक क्लोराइड ग्रुप है। तो इसे हम क्यों यूज़ करते हैं, तो इसके कुछ यूजेस दिए गए हैं। जैसे इट वाज़ यूज टू प्रोड्यूस टेट्रा इथाइलेड विच वाज एन एंटी नॉक एडिटिव्स फॉर गैसोलिन। यानी इसे टेट्रा इथाइलेड प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है और जो टेट्रा इथाइलेड जो है वो एक एडिटिव्स है गैसोलिन जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसमें इसे एडिटिव्स के तौर पर इसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इन इंडस्ट्री इट इज़ यूज्ड एज सिंथेसाइज्ड इथाइल सेलुलोज विच इज़ ए थिकनिंग एजेंट्स यूज एज ए बाइंडर इन पेंट्स एंड कॉस्मेटिक्स। जो पेंट्स या फिर कॉस्मेटिक्स होते हैं उसमें बाइंडर्स के तौर पर जब हम इथाइल सेलुलोज को हम यूज़ करते हैं तो उसके प्रिपेयर के उसके सिंथेसिस के लिए इसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है दिस इज़ यूज टू प्रिवेंट द पेंट कॉजिंग बाय इन्फेक्शन एंड माइनर सर्जिकल प्रोसीजर, आल्सो यूज्ड टू टेम्पररी रिलीफ ऑफ माइनर स्पोर्ट्स इंजरीज। यानी जो है पेन यानी दर्द को रिलीव करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। फिर जो इंजेक्शन को इंजेक्ट किया जाता है उससे होने वाले पेन एंड कुछ माइनर सर्जरी जैसे छोटे मोटे सर्जरी होते हैं उसके ट्रीटमेंट के उससे जो पेन होते हैं उसके ट्रीटमेंट के तौर पर और जब स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्स में जब कुछ इंजरी होता है तो उसके ट्रीटमेंट के तौर पर यानी पेन को रिलीव करने के लिए इसे यूज़ करते हैं। एंड इट इज़ आल्सो हेल्प टू रिलीव डीप मसल पेन। जब मसल में पेन होते हैं बहुत डीप पेन तो उसके रिलीफ के लिए इसे यूज़ करते हैं। और जो स्ट्रक्चर्स है एग्ज़ाम में बेसिकली 5 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाले जो सवाल है इसमें से पूछे जाते हैं जिसमें आपको स्ट्रक्चर एंड यूजेस के बारे में पूछते हैं। नेक्स्ट जो है वो है क्लोरोफॉर्म CHCl3। स्ट्रक्चर जो है एक कार्बन है यहाँ पर हाइड्रोजन एंड 3 क्लोराइड जो है अटैच होते हैं। तो इसे ट्राईक्लोरोमीथेन भी कहा जाता है। और ये जो है वो अल्केन से जैसे मीथेन होता है तो उसमें जब 3 हाइड्रोजन होता है वो रिप्लेस होकर जब हम क्लोराइड को ऐड करते हैं तो ये जो है क्लोरोफॉर्म प्रोड्यूस होता है। जब अल्कोहल यानी इथाइल अल्कोहल जब क्लोराइड से रिएक्ट होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट होता है तब क्लोरोफॉर्म बनता है। तो इसे हम क्यों यूज़ करते हैं, इसे स्पेशली जो है एनेस्थेटिक्स के तौर पर इसे यूज़ करते हैं। इससे कोई कार्डियक या फिर रेस्पिरेटरी फेलियर कुछ भी होता नहीं है तो इसलिए एक सेफ एनेस्थेटाइज के रूप में इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इट इज़ यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट्स इन फायर एक्सक्यूजर एंड इन द रबर इंडस्ट्री। तो इसे क्लीनिंग एजेंट के तौर पर भी यूज़ किया जाता है रबर इंडस्ट्री में और कुछ लेबोरेटरी में इसे यूज़ किया जाता है जैसे प्राइमरी अमाइन के टेस्टिंग के लिए भी इसे यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट है ट्राईक्लोरोइथाइलिन C2HCl3। जो इथाइलिन है जो कि डबल बॉन्डेड है जिसमें 2 कार्बन है एंड 3 क्लोराइड है 1 हाइड्रोजन है तो इसे 1.1.2 ट्राईक्लोरोइथेन भी कहा जाता है। ये जो ट्राईक्लोरोइथेन है
ये लाइट सेंसिटिव वोलाटाइल कलरलेस लिक्विड होता है और मिसिबल होता है विथ मेनी नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. कुछ नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही मिसिबल होते हैं. और ये जो होता है क्लियर नॉन फ्लेमेबल लिक्विड्स होता है विथ ए स्वीट स्मेल, यानी नॉन फ्लेमेबल, जिसमें जो फायर होता है उसे कैच नहीं करते. नेक्स्ट जो है उसके यूजेस के बारे में देखेंगे. इट इज़ यूज एज ए सॉल्वेंट फॉर वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल. तो इसे सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ किए जाते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जो अलग अलग वेराइटी का ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है उसके ऑर्गेनिक मटेरियल है उसके सॉल्वेंट के तौर पर इसे यूज़ किया जाता है. एंड इट इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट वेजिटेबल ऑयल्स फ्राम प्लांट. जो प्लांट्स होते हैं उसके जो वेजिटेबल्स ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं. फिर जो कॉफ़ी होते हैं, कॉफ़ी से जब कैफीन को निकालने के लिए डीकैफिनेशन के लिए इसे यूज़ करते हैं. फिर इसे क्लिनिकल एजेंट के तौर पर यूज़ करते हैं, जिसे मेटल को क्लीन करने के लिए इसे यूज़ करते हैं. जो नेक्स्ट जो है वो है टेट्राक्लोरोइथाइलिन Cl2 C डबल बॉन्ड C Cl2. तो ये जो C है वो दो क्लोरीन से अटैच होते हैं और एक जो C है दो क्लोरीन से अटैच होते हैं. तो इसे टेट्राक्लोरोइथेन भी कहा जाता है और एक कलरलेस वोलाटाइल एंड नॉन फ्लेमेबल लिक्विड होता है. तो जो है C2Cl6 जब हम उसे डिसोसिएट करते हैं तो C2Cl4 एंड दो क्लोराइड फॉर्मेशन होते हैं. तो इसके यूजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो एक नॉन फ्लेमेबल लिक्विड्स होता है जो कि ड्राई क्लीनिंग के तौर पर इसे यूज़ करते हैं. फिर इससे कोल इंडस्ट्री के जो कोल इंडस्ट्री में इसे यूज़ करते हैं टेस्टिंग के तौर पर. फिर इससे कुछ जो नेगेटिव्स रील्स होते हैं सिनेमा फिल्म्स होते हैं उससे क्लीन करने के लिए इसे यूज़ करते हैं. जैसे कब ओल्ड कुछ पुराने ज़माने के फिल्म्स या फिर फ़ोटोज़ को जब हम उस पहले तो मेमोरी कार्ड नहीं आते थे तो उस रील्स को ये क्लीन करने के लिए इसे यूज़ करते थे. फिर टाइपराइटर के करेक्शन जो फ्लूड्स होते उसके करेक्शन के तौर पर इसे यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है डाइक्लोरोमीथेन. तो इसके जो फार्मूला है वो है CH2Cl2. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मिथाइलिन क्लोराइड हैविंग जनरल फार्मूला CH2Cl2 और एक क्लियर कलरलेस नॉन फ्लेमेबल वोलाटाइल लिक्विड्स होता है. और इससे क्यों हम यूज़ करते हैं. इट इज़ यूज एज ए सॉल्वेंट ड्यू टू इट इज़ एबिलिटी टू डिजॉल्व वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. तो कुछ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो डिजॉल्व नहीं होते कंपाउंड लिक्विड्स में. तो इसे हम सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ करते हैं जिससे वो मिसिबल हो जाए, डिजॉल्व हो जाए. फिर इसे फूड इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं कॉफ़ी से कैफीन को, कॉफ़ी या फिर टी से कैफीन को निकलने के लिए, जिसे डीकैफिनेशन कहा जाता है. फिर इसे सिविल इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं, मटेरियल टेस्टिंग के लिए इसे यूज़ करते हैं. तो नेक्स्ट जो ड्रग्स है वो है टेट्राक्लोरोमीथेन CCl4. तो इसे कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहा जाता है और CCl4 इसके जो है फार्मूला है और इसके स्ट्रक्चर यहाँ पर है. जब हम मीथेन को 4Cl2 से रिएक्ट करते हैं तो टेट्राक्लोरोमीथेन फॉर्मेशन होते हैं. और इसे कुछ कहाँ पर इसे यूज़ करते हैं. तो इट इज़ यूज एज ए सॉल्वेंट फॉर मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इसे सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ करते हैं. फिर फ्यूमिगेंट्स के तौर पर इसे यूज़ करते हैं, यानी कुछ फ्यूम्स को रिलीज करने के लिए, यानी ज़्यादा अमाउंट में फ्यूम्स को फॉर्मेशन करने के लिए इसे ही हम यूज़ करते हैं फ्यूमिगेंट, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर सके. फिर इट इज़ यूज टू रिमूव हुक वर्म फ्रॉम द इंटेस्टाइन ऑफ द इन्फेक्टेड ह्यूमन. तो कुछ लोग होते हैं जिनके इंटेस्टाइन में तो वो रोगी होते हैं, यानी इन्फेक्टेड ह्यूमन होते हैं, तो उनके इंटेस्टाइन में जो वर्म्स होते हैं उसके निकालने के लिए इसे यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है आइडोफॉर्म. तो आइडोफॉर्म में जो उसका फार्मूला है वो CH3, ये रहा उसके स्ट्रक्चर. इट इज़ अ येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड बिलोंग टू द फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड्स, जो कि एक येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं और वे ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड्स के फैमिली से बिलोंग करते हैं. तो इसे डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक के ट्रीटमेंट के तौर पर, यानी एंटीसेप्टिक के लिए इसे यूज़ करते हैं डिसइंफेक्टेंट के लिए. एंड इट वॉज ऑल्सो यूज फॉर स्टरलाइजिंग द इंस्ट्रूमेंट विच वॉज़ यूज फॉर द सर्जरी. यानी जब सर्जरी में जब हम इंस्ट्रूमेंट को हम यूज़ करते हैं तो उसके स्टरलाइजिंग फिर सैनिटाइजिंग के तौर पर इसे यूज़ करते हैं, उससे स्टरलाइज करने के लिए इस आइडोफॉर्म के
आइडोफॉर्म को हम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।